गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ NYB स्किन फाइंड एंड रेडियंट एस शो स्टॉपर फेशियल सीरम का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। जी हां दोस्तों, ये फेशियल सीरम मेरे ख्याल से अब तक का सबसे सस्ता फेशियल सीरम है। जी हां, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अब तक मार्केट में जितने भी फेशियल सीरम लॉन्च हुए हैं वो काफी महंगे रहे हैं और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इस फेशियल सीरम की बात करूं तो मेरे ख्याल से ये 100-150 रुपए में आपको पूरी की पूरी क्वालिटी मिल रही है। क्वालिटी के साथ आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। और ये कैसा है, मैंने इसे यूज किया है, कैसा लगा है, वो तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूं। और आपको इसे खरीदना चाहिए कि नहीं, खरीदने के बाद आपको रिग्रेट फील होगा कि नहीं, ये सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। तो जी हाँ, ये फेशियल सीरम कैसा है इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। और दोस्तों, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फेशियल सीरम की। और आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग, इसके जो बॉटल का आउटर कवर है वो मेरे पास है और मैं आपको सामने दिखा दे रही हूँ कि इस पर लिखा क्या है। मैं जूम भी कर दूं ताकि आपको आराम से दिखाई दे जाए। तो आप देख रहे हैं इस पर लिखा है NYB स्किन फाइंड रेडियंट एस शो स्टॉपर फेस सीरम। जी हाँ, ये फेस सीरम है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये फेस सीरम बहुत सारे वेरियंट में आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग से ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने जो ऑर्डर किया मैं आपको वो बता दूं, तो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, कंटेन्स एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है एंड ऐसे डीलिंग विद द डिस्कलरेशन हेल्प टू स्किन। मतलब जो ये फेस सीरम है इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, ये आपकी एजिंग की जो प्रॉब्लम है उसको, डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है एंड जो आपके स्किन पे स्कार्स है उस तरीके की प्रॉब्लम को रिमूव करता है। तो ये ऐसा मेंशन करता है। और जैसे मैंने कहा ऐसे बहुत सारे वेरियंट है तो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं बता दूं, मेरे पास जो फेस सीरम है वो एक्ने प्रोन स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए है। तो आप इसे अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस फेस सीरम की और इस फेस सीरम में ऐसा क्या है जो ये आपको इसे खरीदना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके कि इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं और आपको मैं सब एक एक चीज बताऊंगी कि इस फेस सीरम में ऐसी क्या खूबी है कि आपको इसे खरीदना चाहिए। तो सबसे पहली बात, और मैं आपको पूरा दिखा दे रही हूँ जूम करके ताकि आप हर एक चीज अच्छे से समझ सकें। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने जूम कर दिया, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सैलिसिक एसिड, टी ट्री ऑयल एंड लिकोरिस एक्सट्रैक्ट एंड मलबेरी एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं इसमें सारी की सारी नेचुरल चीजें पड़ी हुई हैं और मैं आपको सब चीज बताऊंगी अच्छे से कि स्पेशली ग्लाइकोलिक एसिड होता क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज बताऊं तो ग्लाइकोलिक एसिड स्पेशली जिनकी स्किन पे एजिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे बोलो फाइन लाइन, रिंकल्स, इस तरीके की स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। और ग्लाइकोलिक एसिड एक तरीके से अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ग्रुप का ही होता है, जो आपके स्किन के आउटर मोस्ट लेयर जो हमारी होती है इसमें डेड स्किन इकट्ठा होती है उसको रिमूव करके आपकी स्किन पे एक नई लेयर बनाता है, जिससे आपकी स्किन काफी यूथफुल एंड ग्लोइंग लगती है। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। सैलिसिक एसिड के बारे में आप सब जानते हैं कि जिनकी स्किन पे एक्ने बहुत ज्यादा होते हैं, पिंपल, ब्लैकहेड, तो उनको हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने स्किन पे सैलिसिक एसिड के जो प्रोडक्ट होते हैं, सैलिसिक जिसमें पड़ा होता है, आप वो यूज करिए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और मलबेरी एक्सट्रैक्ट एक तरीके का फ्रूट एक्सट्रैक्ट होता है जो स्किन व्हाइटनिंग के लिए स्पेशली काम करता है। तो इसमें, जैसे मैंने आपको इसमें ये सारी चीजें पड़ी हैं, टी ट्री ऑयल आप सब जानते हैं जब हमारी स्किन पे एक्ने होती है तो आपके स्किन पे हीलिंग का काम करता है, एक्ने को कंट्रोल करता है। और लास्ट चीज इसमें पड़ा हुआ है वो है मलबेरी एक्सट्रैक्ट, जैसे मैंने बताया, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, मुलेठी पाउडर। और मुलेठी पाउडर के यूज में हेल्थ आप सबको पता है कि मुलेठी पाउडर कितना अच्छा हमारे स्किन के लिए होता है। स्किन चाहे आपके उपटन के लिए यूज करना, हेयर रिमूविंग के लिए यूज कर रहे हो आप, चाहे अपने स्किन में दाग धब्बों के यूज कर रहे हैं, मतलब मुलेठी के तो बहुत सारे यूजेज है। तो इसमें जितनी भी सारी चीजें पड़ी हैं दोस्तों, वो सारी की सारी नेचुरल है, किसी भी तरीके की इसमें हेल्थ से किसी भी तरीके की कोई सिंथेटिक चीजें नहीं पड़ी है जो आपकी स्किन को सूट ना करे। फिर भी सेंसिटिव स्किन वाले पैच टेस्ट तो जरूर करें इसको लगाने से पहले। तो मैंने आपको हर एक चीज बताई कि इसमें क्या क्या चीज पड़ी है और किस किस चीजों के लिए है। तो जैसे मैंने बताया, तो ये जो स्पेशली ये जो सीरम है मैंने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ऑर्डर किया था और ये 20-30 वाले, अगर आपकी स्किन अब 20 से ऊपर है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि सीरम होते क्या है, सीरम और मॉइस्चराइजर, बहुत सारे लोग फर्क नहीं जानते। तो सीरम और मॉइस्चराइजर में ये फर्क होता है कि जो मॉइस्चराइजर होता है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, जी हाँ, लेकिन जो सीरम होते हैं वो हाइड्रेशन के साथ साथ आपकी स्किन को एक क्वालिटी भी देते हैं। क्वालिटी मीन्स आपकी स्किन पे जो इम्प्योरिटी या जो ब्लू इम्परफेक्शन होता है आपकी स्किन पे, जैसे कि दाग धब्बे होते हैं, डार्क डलनेस होती है, ब्लैकहेड होते हैं, ग्लो नहीं होता है स्किन पे, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को खत्म करके साथ में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं। और जी हाँ, सीरम बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, बहुत जल्दी आपकी स्किन में पेनिट्रेट होकर आपकी स्किन को उसका रिजल्ट देते हैं। तो मेरे ख्याल से सीरम बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ये सीरम क्या होते हैं मैंने बता दिया, इस सीरम में क्या क्या चीजें पड़ी हुई। अब बात करते हैं इसके प्राइस की एंड क्वांटिटी की।
दोस्तों प्राइस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है, तो जी हाँ दोस्तों प्राइस आपको मैंने जूम करके दिखा दिया, इसका प्राइस 175 रुपीज है एंड 10 ml। जी हाँ, तो प्राइस आपको 175 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे और क्वांटिटी 10 ml है। तो लेकिन ये आपको इसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस शो कर रहा है, लेकिन आप इसे जब ऑर्डर करेंगे, और एक बात आपको मैंने बताई थी, ये जो प्रोडक्ट है NYBay का, ये सारे NYBay के प्रोडक्ट आपको purple.com पे ही मिलेंगे, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके ले सकते हैं। ये आपको करीब 100 रुपए के आसपास मिल जाएगा, अगर आप ऊपर अप्लाई करते हो तो मेरे ख्याल से 100 रुपए से भी कम मिलेगा। तो 100-150 रुपए के अंदर आपको नंबर वन फेशियल सीरम मिल रहा है। जी हाँ, और आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं कि आप इसे ले कि ना ले, इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हुई है कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। और भी आपको डेमो भी दिखाऊंगी कि अंदर से दिखता कैसा है सब कुछ। तो ये सारी खूबियों के बारे में बात हो गई, प्राइस मैंने सब कुछ बता दिया, क्वांटिटी बता दी, क्या चीजें पड़ी। अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ ये है कैसा और इसको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों फेशियल सीरम लगाने का जो सबसे पहला तरीका होता है CTM, क्लिनजिंग टोनिंग आप कर लें, अपने फेस को अच्छे से क्लिनजिंग कर लें, टोनिंग कर लें, उसके बाद मॉइस्चराइजर से पहले आपको सीरम अप्लाई करना होता है। जी हाँ, तो सीरम अप्लाई करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना होता है, आप समझ गए। अब मैं आपको बता दूं, सीरम जब भी आप लगाएं कुछ ही क्वांटिटी में, ये नहीं कि आपको बिल्कुल भर भर के लगाएं, जी नहीं, आपको कुछ ड्रॉप ही सीरम की अप्लाई करनी होती है। तो आपको मैं अपने यहाँ पे देके दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कितनी इजी है, इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा लाइट है। और हाँ, जब आप इसे फर्स्ट टाइम फेस पे अप्लाई करते हैं तो हल्की सी, जैसे बोलूं इरिटेशन तो नहीं होगी, थोड़ी सी जलन जैसे बोल दो, हल्की सी माइल्ड इरिटेशन हो सकती है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके स्किन पे ये कहीं जल तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं, माइल्ड 2 मिनट के अंदर ही बिल्कुल खत्म हो जाएगी, 2 सेकंड के अंदर ही। और आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट है, कहीं से भी चिपचिप नहीं लग रहा है, मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है जैसे मैंने कहा, तो बहुत जल्दी मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो गया और ये बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे स्किन के अकॉर्डिंग। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया, फेस को क्लीन करने के बाद, टोनिंग के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। जी हाँ, और कैसे लगाना है, आपको ड्रॉप ड्रॉप लेकर के इसे फेस पे अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा सीरम आपको अपने फेस पे कभी भी अप्लाई नहीं करना। जी हाँ, इससे फेस ऑयली लगने लगता है। तो आप समझिए, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि ये सीरम क्या है, क्या होते हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, ये सीरम कैसा है। और मेरे ख्याल से आपको ये सीरम बिल्कुल 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 खरीदना चाहिए, मेरे ख्याल से इससे सस्ता सीरम आपको कभी नहीं मिलेगा इतने कम रेंज में। जी हाँ, 100-150 रुपए के अंदर आपको फेशियल सीरम मिल रहा है, तो आई थिंक आपको जरूर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो और मेरा ये आज का रिव्यू, मैंने इसे यूज किया है और तब मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। मैंने इसे ऑर्डर इसलिए किया था ताकि मैं अपने लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर सकूं, तो मैंने आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया और मैं तो इसे यूज कर रही हूँ। आप इसे ऑर्डर करके इस्तेमाल करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।